साली देवर और भौजाई इन तीनों के रिश्ते में को या तो लिरिक्स के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू इतना गंदा बताया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसको अगर साफ अगर किसी ने किया है तो वो राज भाई है। सिंगर कौन है यार? ये मनोज झारखंडी, बहुत बढ़िया गाया है वो तुमने यार, गाना ही मस्त है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं ए भौजी राज भाई का, राज भाई का है भाई। वैसे राज भाई का एक गाना भी रिलीज हुआ था जिसका नाम था ओढ़निया पे नाम, जो कि बहुत ही जबरदस्त गाना था जिसमें अश्लीलता 0% थी और क्वालिटी 100% थी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उस गाने पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जो राज भाई को मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स उस पर नहीं मिला, जिसमें ऑलमोस्ट एक दिन में ही कम से कम मिलियन में चले जाना चाहिए था, जो अभी तक सिर्फ 7 लाख हुए, वो भी तब जब हम लोग और भी हमारे जैसे यूट्यूबर उसे प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, भोजपुरी में क्या यही चलता रहेगा कि जो अश्लील मुक्त गाना बनाएगा उसको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे? तो हम एक और सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक और गाना है जिसका नाम है ए भौजी। अभी हमें पता नहीं है वो अश्लील है कि नहीं है, लेकिन इतना पता है कि राज भाई ने बनाया तो अश्लील तो नहीं होगा, क्योंकि वो उनका काम बहुत ज़बरदस्त है। तो इसीलिए हम लगातार दूसरा उनके दूसरे सॉन्ग पे रिएक्शन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह उन्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह के कलाकारों को अगर आप और हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो भोजपुरी गर्ग में चले जाएगा। आप भले किसी के भी फ़ैन हो, चाहे खेसारी के फ़ैन हो, पवन सिंह के फ़ैन हो, या किसी भी बड़े स्टार के फ़ैन हो, लेकिन इस तरह के कलाकारों को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भोजपुरी का नाम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये कलाकार, अब इनके सॉन्ग्स में देखिएगा, अलग अलग सिंगर्स को मौका देते हैं ये, अलग अलग राइटर्स को मौका देते हैं, तो आप खुद सोचिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं भोजपुरी के लिए। सही बात है ना? तो आप लोगों को भी उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी तरह इन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। तो पहले हम गाना देख लेते हैं ए भौजी, हमें भी नहीं पता है ये कैसा गाना है, तो देख रहे हैं ये कैसा गाना है, शुरू करते हैं अभी। देख रहे हैं इसे गर्लफ्रेंड का सपना देख रहे हैं और भाभी ने आके देख लिया। ए भौजी दुल्हन देखो जी, शादी कराए दे मो। क्या बात है जी। ए भौजी दुल्हन देखो जी, शादी कराए दे मो। संगे रहा तो संगे कमाई तो कोतनी ही आई तो मड़वा झक करते हो, देवर दुल्हा बनते हो। क्या बात है, झिकमिक करते हो। सिंगर कौन है यार? ये मनोज झारखंडी, बहुत बढ़िया गाया है वो तुमने यार, शादी कराए दे मो। ए भौजी दुल्हन देखो जी, शादी कराए दे मो। संगे रहा तो संगे कमाई तो कोतनी ही आई तो मड़वा झक झक करते हो, देवर दुल्हा बनते हो। क्या बात है, ये है रियलिटी हिंदुस्तान के देवर भौजी के रिश्ते, जो भोजपुरी ने बैंड बजा रखी है। निकलो कभी कभी खाना बनाई तो हो, कभी कभी गोड़ो दबाई तो हो, कभी कभी खाना बनाई तो हो, कभी कभी गोड़ो दबाई तो हो। हमारे आंगन में खिलते हो, छोटे ललन आते हो। हमारे आंगन में खिलते हो, छोटे ललन आते हो। ए भौजी दुल्हन देखो जी, शादी कराए दे मो। ए भौजी दुल्हन देखो जी, शादी कराए दे मो। संगे रहा तो संगे कमाई तो कोतनी ही आई तो मड़वा झक झक करते हो, देवर दुल्हा बनते हो। मड़वा झिकमिक करते हो, देवर दुल्हा बनते हो। डांसर तो अमेजिंग है ही, भाभी को लेके क्या बात है।
के कभी कभी मेला घूमई बे हो कहियो हमें ससुर घर जई बे हो हाँ कभी कभी मेला घूमई बे हो कहियो हमें ससुर घर जई बे हो साली दूदू गो रहते हो मौज हुमो मनई बे हो साली दूदू गो रहते हो मौज हुमो मनई बे हो ए भौजी दुल्हन देखो शादी कराए दे हो ए भौजी दुल्हन देखो शादी कराए दे हो संगे रहा तो संगे कमाई तो कोतनी ही आई तो तोर मड़वा झक झक करते हो देवर दुल्हा बनते हो मड़वा झिकमिक करते हो देवर दुल्हा बनते हो मड़वा झक झक करते हो देवर दुल्हा बनते हो मड़वा झिकमिक करते हो तुम्हें सच टच करके देखा वाह यार सपनों में जाती थी व्हाट अ कोरियोग्राफी यार सच में यार एक एक चीज को उन्होंने नोटिस किया ना क्या बात गाना बहुत बढ़िया था एकदम मस्ती से भरा गाना था जिसमें एक देवर जो है अपनी भाभी को शादी करने करवाने के लिए मेरे लिए भी लड़की देखो और वही जो मेरे सपनों में आती है या फिर मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है ठीक है उससे शादी करवा दो कहने का मतलब यही है बट एक बात तो कहना पड़ेगी यहाँ पे जो सिंगर है जिनका नाम मनोहर झारखंडी है यार ही इज अमेजिंग उनका जो काम मस्त गाया है ना इसीलिए मैं कहता हूँ राज भाई बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग सिंगर से गाना गवाते हैं सॉन्ग की अकॉर्डिंग और दूसरा ये कि उनके जो सॉन्ग होते हैं उनके वीडियो में भी आप देखोगे तो अश्लीलता नहीं दिखेगी और उनके लिरिक्स में भी आप देखोगे तो अश्लीलता आपको नहीं मिलेगी नो डाउट अगर आप ये देखो के भी अगर आप नहीं समझ रहे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो कई गानों में क्या है देवर भोजाई का रिश्ता ही खराब कर देते हैं भोजपुरी के सारे गानों में देवर भोजाई का रिश्ता खराब कर देते हैं साला साला हो जाता है वो देखो साली देवर और भोजाई इन तीनों के रिश्ते में को या तो लिरिक्स के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू इतना गंदा बताया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में उसको अगर साफ अगर किसी ने किया है तो वो राज भाई ये तो समझो ऐसा हो रहा है कि पोर्न वीडियो से कंपेयर हो रहा है मतलब पोर्न वीडियोस में भी रिश्ते की ऐसी माँ बहन कर देते हैं तो इसमें भी रिश्तों की वाट लगा भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे गानों में लिरिक्स से वाट लगाते कई बार तो दिखाई देते दिखाने दिखा या तो वीडियो या फिर लिरिक्स दोनों में से किसी एक में तो होते ही है अब एंड में उसको तुम सपना दिखा दोगे तो फिर भी बंदा सोच तो वही रहा है ना मतलब अब बताओ इसके अंदर किसी को लगा कि अश्लीलता थी किसी को नहीं लगा होगा तो भाई अश्लील मुक्त भोजपुरी बनाना है ना तो पहले इन कलाकारों को सपोर्ट करो जो अश्लील मुक्त काम कर रहे हैं सिंपल सी बात है यार जो आप देखोगे वही बिकेगा तो आप देखो ही मत ऐसी चीज तैसी चीज इनको फेमस करो ना इनके वीडियोस मिलियंस में दिखाओ लोगों को तो फिर तुम्हारे बड़े स्टारों को समझ में आएगा तो वो भी अश्लील मुक्त गाने बनाएंगे अब तुम इनके वीडियोस को सपोर्ट नहीं करोगे भाई हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं अब किसी को लगे जो लगे लगे भाई कोई हमारा रिश्तेदार नहीं लगता राज भाई ठीक है ना राज भाई एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर है खास करके उनका डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद है कोरियोग्राफी मुझे बहुत पसंद है ही इज़ अमेजिंग इनका काम अलग है और खास करके ये जिस तरह से दूसरे कलाकारों को मौका दे रहे हैं ऐसा नहीं कोई फेमस सिंगर को बार बार मौका दे रहे हैं हाँ माना है कि मनोज झारखंडी का नाम हो फेमस होगा लेकिन मौका तो ज़्यादा मिल रहा है ना बाकी भोजपुरी गानों में देख सुना है कि आपने उनका ज़्यादा नाम नहीं सुना ना वो मौका दे रहे हैं इतने अच्छे अच्छे गाने अब बताओ इतना अच्छा गाना और सिर्फ 3 लाख व्यू हम लोगों को इतना मज़ा आया सोचो हम तो नॉन भोजपुरी ऑडियंस है हम लोगों का आपने देखा होगा रिएक्शन के बीच में कितना मज़ा आया तो गाइस प्लीज़ यार ऐसे सब टैलेंट को सपोर्ट करो इस वीडियो को वायरल कर दो यार इतना रिक्वेस्ट है करो यार और हैशटैग एक ही चलाना है अश्लील मुक्त भोजपुरी ठीक है वी सपोर्ट राज भाई और राज भाई का वीडियो लेटेस्ट आपने देखा ही होगा वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे लास्ट वीडियो में लेकिन ऐसे लोग अगर इंडस्ट्री छोड़ देंगे तो आपका और हमारा क्या होगा अच्छे कंटेंट मिलना बंद और वो फिर आप किसी यकीन मानो मैं भोजपुरी का जो चैनल है हमारा ये वाला हम इसके वीडियो हमारे घर वालों को दिखा नहीं सकते हाँ क्योंकि हम जिस कंटेंट पर रिएक्शन देते हैं ऑब्वियसली हम कंटेंट पहले तो देखा नहीं होता है अब देखा रिएक्शन दे दिया उसके बाद में डिलीट तो करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट है वो भी पूरा करने पड़ती है तो आप लोग सोचो आप लोग ऐसी रिक्वेस्टें करते हो कि हम हमारे घर वालों को दिखा नहीं सकते वीडियो सोचो अब क्या हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे वीडियो अब ये वीडियो मैं अपने घर वालों को दिखा सकता हूँ भाई देखो ये इस चीज़ पर हम रिएक्शन देते हैं ये मेरा चैनल है ऐसा करके हमें ढूंढना पड़ते हैं वीडियो
अगर किसी को बताना पड़ता है ना तेरा चैनल दिखा, तो हम वो वीडियो ढूंढते हैं जिसमें कोई अश्लीलता ना हो, फिर वो वीडियो दिखाते हैं, देखो हम इस तरह का काम करते हैं। तो यार ऐसा हमारे साथ मत करो, हमें वीडियो ढूंढना ना पड़े, हमको बस चैनल की लिंक देना पड़े, ये चैनल और जो वीडियो देखना है देखो, ऐसा कर दो हमारा चैनल साफ सुथरा। उसके लिए आप लोगों को ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा जो ऐसा काम कर रहे हैं, और हमें भी जो हम इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ भाई लोग जो भी नए आए हैं वो भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जो पुराने हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार आए हो या जो भी है सब्सक्राइब कर देना, और राज भाई को भी सपोर्ट करना, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हमारा रिएक्शन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और इसे शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लीलता मुक्त बनाना है ना, तो इसको शेयर करना ही पड़ेगा। हर बंदा कम से कम 10 ग्रुप्स में शेयर करेगा इस वीडियो को यार, क्योंकि हमारी बातें हैं ना वो बहुत तीखी लगेगी लोगों को, लेकिन हमारी बातें बहुत सच्ची है यार। तो इस वीडियो को हमारी बातों के लिए ज़रूर ज़रूर शेयर करना, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, मेक लव नॉट वॉर। बाकी गाना कितना अच्छा था वो।